छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकास खंड में नियमितीकरण, अवकाश, नकदीकरण, ग्रेड वेतन में बढ़ोतरी, सेवानिवृत्ति, पेंशन भुगतान, अवकाश लाभ सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 17 जुलाई से छत्तीसगढ़ लघु वेतन चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ बेमुद्दत हड़ताल पर है। सोमवार 23 जुलाई को कर्मचारियों ने शहर में रैली निकालकर विरोध जताते हुए हल्ला बोला है। भैरमगढ़ में छत्तीसगढ़ लघु वेतन चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी क्रम में सोमवार को शहर में मुख्य मार्ग से रैली निकालकर शासन के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों ने कहा है कि शासन द्वारा सालों से हमारी मुख्य मांगों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। सालों तक हम शासन के लिए काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें हमारा हक क्यों नहीं मिल पा रहा है। संघ के अध्यक्ष मूलाराम बंघेला, उपाध्यक्ष सुकमन पात्र, सचिव चंद्रदेव वर्मा और संरक्षक मोतीराम बेलसरिया, कोषाध्यक्ष संतोष मार्का मांगों को लेकर कहा कि शासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के लघु वेतन चतुर्वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर आयोजित किया जा रहा है यह धरना। वे इस धरने में शामिल होने पहुंचे थे। हमारा एकता, जिंदाबाद। रोजी रोटी दे नहीं सकते, रोजी रोटी दे नहीं सकते। जी नाम बताएंगे, क्या नाम है? मोतीराम बेलसरिया है सर। जी हाँ सर, आंदोलन आज से 8 दिन चला है सर, 16 तारीख से जारी हुआ है सर। जी और हमारे 4 सूत्री मांगे हैं सर। 4 सूत्री मांगों में पहला रेगुलर है सर, दूसरा ग्रेड पे है सर, और तीसरा मांग है हमको 60 से 62 साल। जी जी हम लोग जब तक हमारे मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे शासन हमारे। भैरमगढ़ से नीरज गुप्ता की ये थी खास रिपोर्ट।